एक शेर कहकर मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ। कदम हुजूर के आए नसीब मेरे खुले, कदम हुजूर के आए नसीब मेरे खुले, जवाबे कसरे सुलेमा गरीब खाना हुआ। पहला हिस्सा इजी है, कदम हुजूर के आए नसीब मेरे खुले, यानी आप आए तो मेरे नसीब जाग उठे। अब दूसरा मिसरा जो है जरा मुश्किल है, जवाबे कसरे सुलेमा गरीब खाना हुआ। गरीब खाना, देखिए हम उर्दू वाले अपने घर को गरीब खाना कहते हैं और सामने वाले से हम बात करते हैं तो हम पूछते हैं आपका दौलत खाना किधर है। किसी दिन गरीब खाने पर आइएगा तो अपने लिए हम गरीब खाना इस्तेमाल करते हैं, सामने वाले के घर को हम दौलत खाना कहते हैं। तो जवाब है कसरे सुलेमा गरीब खाना हुआ। अब इतना तो आपकी समझ में आ गया कि सुलेमान किसी का नाम है। कसर का मतलब होता है महल, तो सुलेमान के महल का जवाब हमारा गरीब खाना हुआ, यानी श्री राम वैद्य आए तो कैंसर एंड रिसर्च फाउंडेशन का इदारा ये जगह कसरे सुलेमान का भी जवाब देने लगी। अब आप सोचेंगे कि ये सुलेमान कहां से आ गए। तो सुलेमान पुराने वक्तों के एक बहुत मशहूर बादशाह भी थे, पैगंबर भी थे, तौरात में, जबूर में, इंजील में और कुरान मजीद में इनका जिक्र आया है, ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में और बाइबल में सुलेमान का जिक्र आया है। ये जूस के बहुत बड़े बादशाह थे और इन्होंने बहुत खूबसूरत महल बनाया था। अभी हाल ही में मैंने एक जगह पढ़ा कि यहूदी उस महल को अभी खोद कर निकाल रहे हैं, वो मस्जिद अक्सा के आसपास ही कहीं वाक़ था। तो खैर ये हुआ एक्सप्लेनेशन। अब ये एक टीचर की बुरी आदत हुई, आप कहिए टीचिंग मेरे ब्लड में रही है तो एक्सप्लेनेशन भी एक टीचर ही करती है। खैर डॉक्टर श्रीराम वैद्य डॉक्टर कहलाते हैं लेकिन वो मेडिकल डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी है, पीएचडी है और मास्टर ऑफ साइंस भी है। उन्होंने एमएससी किया है और वो से जीएस मेडिकल कॉलेज से किया है। फिर इन लाइफ मेंबरशिप बहुत से इदारों की है और उनका वर्क एक्सपीरियंस अगर मैं गिनाने जाऊं तो वो मेडिकल एडवाइजर रहे हैं इन मिशन विवा केयर लिमिटेड में। फिर उन्होंने लेक्चर्स दिए हैं एट हेल्प लिप में और उनके लेक्चर्स डायबिटीज पर और हार्ट बर्न्स पर, स्लीप डिसऑर्डर्स पर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उनके लेक्चर कैंसर के ताल्लुक से हैं। इन्होंने दिया है केमोथेरेपी साइड इफेक्ट्स, कैन वी प्रिवेंट कैंसर, ब्लड बैंकिंग पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, व्हाइट ब्लड सेल्स दी फाइटिंग फोर्सेस इन द बॉडी, रेड ब्लड सेल्स दी ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूटर फॉर दी बॉडी, हेमोग्लोबिन वगैरह पर इनके बहुत लेक्चर हैं, हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज पर। फिर ये बहुत से इदारों के मैनेजर रह चुके हैं, जेनबर्ग फार्मास्यूटिकल के, फिर बहुत जगह पर इन्होंने काम किया है, वर्क एक्सपीरियंस इनका बहुत ज़्यादा है। वो मेडिकल एडवाइज़र की हैसियत से उन्होंने इंडोको रेमेडीज लिमिटेड में काम किया है। फिर ये खैर से राइटर भी हैं, लेक्चरर भी हैं, राइटर भी हैं, इनके बहुत से आर्टिकल बहुत से रिसालों में आ चुके हैं। और डॉक्टर वैद्य मैंने अपनी लाइब्रेरियन से कहा था कि वो आपके लेक्चर्स को निकाल लें इंटरनेट से और उसको हम छापेंगे और अपने स्टाफ में तकसीम करेंगे।
आटेवाल लेबोरेटरीज में भी उन्होंने काम किया है और ये इस नाम से हम लोग आशना है किसी हद तक, पेशेंट डिपार्टमेंट वाले जानते हैं। काफ फार्मा के लिए हम दवाइयां इनसे लेते रहे और अब हम काफ फार्मा के लिए इनकी मदद लेंगे क्योंकि काफ फार्मा के ताल्लुक से जरा हमारी नाजुक सी पोजीशन है। और जब मैंने ये पढ़ा कि आप खंडेलवाल लेबोरेटरीज में रहे हैं तो मुझे ऐसे लगा जैसे अल्लाह ने किसी फरिश्ते को भेजा है हमारी मदद के लिए, तो आपको इसके लिए हमको कुछ वक्त देना होगा। आज का इनका लेक्चर जो है उसका टॉपिक है कैंसर की पहचान। अब आप सोचेंगे कि हम सबको क्यों जमा करते हैं या अखबार में क्यों देते हैं। इस साल हमने ये जो लेक्चर सीरीज का प्रोग्राम शुरू किया है ये पांचवा लेक्चर है, पांचवा है या छठा है, छठा लेक्चर है। और अखबार में तो हम इसलिए देते हैं कि हमारा पहला मकसद यही है, कैंसर एड फाउंडेशन का एक उसूल एक मकसद है अवेयरनेस ऑफ कैंसर, कैंसर के बारे में बेदारी फैलाना, आगही फैलाना। हम अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि कैंसर ये बीमारी कितनी मुहलिक है, कितनी खतरनाक है, कैंसर की अलामतें उसकी साइंस क्या है, कैंसर से कैसे निपटा जा सकता है। अब हम अपने स्टाफ को भी कैंसर के बारे में हम ये चाहते हैं कि हमारे स्टाफ को कैंसर की भरपूर मालूमात रहे। अब शायद स्टाफ मेंबर सोचते हो कि हम तो अकाउंट्स में हैं, हम तो पेशेंट डिपार्टमेंट में नहीं हैं, हमको कैंसर से क्या लेना देना। ये मत भूलिए कि आप कैंसर एड्स से वाबिस्ता हैं। बाहर अगर कोई आपसे कैंसर के बारे में सवाल करता है तो आप में जवाब देने के लिए आपकी काबिलियत होनी चाहिए, आपको मालूमात होनी चाहिए। अब हम अखबार में क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा फायदा सबको पहुंचे, अपने स्टाफ को ही नहीं उनको भी जो कैंसर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, और लोगों को ये भी मालूम हो कि हम सो नहीं रहे हैं, हम एक्टिव हैं, हम कैंसर के सिलसिले में काम कर रहे हैं। ये ऐसे स्टेप्स हैं जिससे लोगों की हमको हमदर्दियाँ हासिल होती हैं, लोगों पर हमारा एक इम्प्रेशन कायम होता है कि हम एक्टिव हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हमारा शुमार 3 बेहतरीन एनजीओज में नहीं होता। शायद कुछ लोग ये ना समझें कि मैं क्या कर रही हूँ। आपको ये मालूम होना चाहिए कि 626 एनजीओज हैं जो बीएमसी की स्कूलों में चल रही हैं और बीएमसी इन सबको हटाना चाहती है क्योंकि बीएमसी इंग्लिश का एक प्रोजेक्ट ला रही है जून से, नए साल से। इसके लिए वो अपना अपना प्रीमाइसेस अपनी जगह खाली करना चाहती है। इस सिलसिले में बीएमसी ने 626 एनजीओ का जायजा लिया और इसके बाद अखबारों में बीएमसी की जानिब से ऐलान हुआ कि 626 एनजीओज में 3 एनजीओज ऐसे हैं जिनका काम अच्छा है, तसल्ली बख्श है, फायदा बख्श है और उन 3 में हमारा नाम शामिल है। ऐसे वक्त में खाली नहीं हो जाएगा, आपने तालियां बैंक में तो नहीं रखी ना, तो उनका इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत खुशी की बात है कि 626 में हम 3 शामिल हैं। और अब मैं अपने स्टाफ मेंबर्स को ये बताना चाहूंगी कि बहुत से आसार ये बता रहे हैं कि हमको खाली करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो एल्कोहलिक अनोनिमस को रहने की इजाज़त मिली, लेटर मिला, ऐसा उम्मीद तो है कि हमको भी बीएमसी की तरफ से लेटर मिलेगा और हम यहीं से काम करेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ
लेटर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम दूसरी जगह ढूंढ लेंगे। ये जरूर है कि यहाँ हम 5,000 किराया देते हैं, दूसरी जगह हमको 50,000 देना पड़ेगा और उसका असर हमारे कैंसर पेशेंट्स पर होगा क्योंकि डोनेशन में से हमको ये रकम खर्च करनी पड़ेगी। बहरहाल आप लोग दुआ कीजिए तो अल्लाह ऐसा मौका नहीं आने देगा और हो सकता है हम यहीं रह जाएं। और कुछ मुझे कुछ ऐसा एहसास होता है कि शायद हमारे मेंबर्स में कुछ इनसिक्योरिटी की फीलिंग आई है कि खाली करेंगे फिर किधर जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर दुकान बंद होगी, तो ऐसा नहीं होगा। ये इदारा है जिसकी उम्र अब 13 साल की हुई है और लागा मोहे 14वां साल वाली बात है अभी। और वैद्य साहब मैं आपको बताना चाहूंगी कि 13 साल में हमने 13 करोड़ रुपया कैंसर पेशेंट को दिया। अब मुझे ताली बजानी चाहिए कि आपको ताली बजाने का सलीका आ गया। मैं आपके और डॉक्टर वैद्य के बीच में ज्यादा देर हाई नहीं रहना चाहती। आपको उनसे बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ सीखना है। अब इससे पहले कि मैं उनको लेक्चर देने के लिए कहूँ, मैं उनकी खिदमत में फूल पेश करना चाहती हूँ। वैद्य साहब बहुत खुशी हुई आपका, और ये हमारा मोमेंटो है आपके लिए। में कैंसर के बारे में कुछ बता दूं, कैंसर के और इसमें कैंसर के पहचान करने के लिए अभी आप सोचते हैं कैंसर की पहचान कभी होगी, कितने बरस? हेलो, कैंसर की पहचान कभी हुए, कितने बरस होंगे, ये जानने के लिए हम देखते हैं इतिहास। इतिहास में ये जो दिखा है उसमें है पैथिलिस करके एक प्लांट होता है, उसके ऊपर, उसके पन्ने के ऊपर, उसके लीफ के ऊपर लिखा जाता था मेडिकल राइटिंग्स उस जमाने में। और वो जमाना कितना पुराना है वो आप देखते हैं एडविन स्मिथ सर्जिकल पैथिलिस। ये जो एडविन जी थे डॉक्टर एडविन, उन्होंने बहुत सारी चीजें मेडिकल उस जमाने के उसमें राइटिंग में लिखी है। और वो जमाना था 1500 BC, 3,500 बरस के पहले कैंसर के बारे में कुछ लिखा है। कैंसर वैसे बोले तो बहुत ही डायनोसर के टाइम में भी कैंसर था। कैंसर कभी चालू हो गया शायद जब ही एनिबा के आगे कोई प्राणी आ गए, तो एनिमल्स आ गए, क्योंकि एनिबा एक सिंगल सेल वाला है, तो एनिबा ने उसके छुप ली, क्योंकि एक ही जब भी पेशी होती है तभी उसका कैंसर नहीं होता। कैंसर के लिए एक से ज्यादा पेशी होना शरीर में जरूरी है। अभी ये द फर्स्ट डॉक्यूमेंट द केस ऑफ कैंसर इन द वर्ल्ड, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट केस ऑफ कैंसर इज फ्रॉम एंशिएंट इजिप्ट इन 1500 BC। तो 2000-3500 BC वहां तभी पता चला। और वो 8 केसेस वो स्तन के कैंसर के तभी मिले थे 3500, और आज भी वो स्तन कैंसर हमें सता रहा है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं कैंसर की कि जो हमसे लड़ाई करते हैं, हमसे झगड़ा कर रहे हैं और बॉडी में अंदर के शरीर में झगड़ा करते हैं, वो हम देख लेंगे। वो तभी भी एक देखो कि 3500 बरस के पहले तो ना रेडियोथेरेपी थी ना केमोथेरेपी थी, तो तभी भी लोग जो वहाँ के जो फिजिशियन थे, जो डॉक्टर थे, वो चाहते थे कि कैंसर के मरीज को कुछ न कुछ उसका अच्छा करे, उसका कैंसर कम करे। तो इसीलिए वो हॉट
कॉटरी एड्रिन एक बहुत गर्म होती है चीज, उससे वह जला देती थी। ये जलाना और आज के युग में रेडियोथेरेपी से इसमें कई अंतर है। रेडियोथेरेपी में ऐसे मीथ है, मन में ऐसे रहता है कि रेडियोथेरेपी बोले तो जलना, तो वह जलते नहीं है, वह जलना नहीं है। वह आपने जितना तापमान आप या आपने बाएं हाथ से दाएं हाथ को हाथ लगाया तो जितना तापमान है उतना ही तापमान रहेगा रेडियोथेरेपी में। रेडियोथेरेपी में टेम्परेचर नहीं बढ़ता, उसके लिए तो एक अलग लेक्चर देना होगा और मैं जरूर उसके बारे में अधिक जानकारी दे दूँगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये एक चीज है कि जो हमारे जो व्यवसाय है, जैसे लिपमन है, तो लिपमन के पाव में कुछ दर्द आएगी क्योंकि उसका तो कभी बैठेगा तो उसका कोई बॉस होगा, कोई होगा तो बोलेंगे क्या आप क्या काम कर रहे हो, लिपमन बोले तो खड़ा ही रहे, तो उसके पाव के ऊपर ज्यादा प्रेशर आएगा और उसके मुताबिक उसको प्रॉब्लम, उसके जिंदगी में कुछ तकलीफें आ सकती। सिमिलरली तो इसने देखा कि ऐसी कोई चीज है क्या कि जो ऑक्यूपेशन से वजह से, व्यवसाय के वजह से उसको प्रॉब्लम्स आती है और वो कैंसर की रिलेटेड है। वो दुनिया में विश्व में पहली बार ये ब्रिकेल पॉट ने 1775 में उसने ही बता दिया कि ये जो है वो उसको बोलते हैं, ये देखिए तो ये चिमनी आपकी नजर में आ गई, ये जो चिमनी है ये जो चिमनी है यहाँ सब यहाँ 14 से 16 के उम्र की लड़के अंदर जाके ये सब पूरे चिमनी साफ करते हैं और ये साफ करने से उनको एक कैंसर हो गया, उसको बोलते हैं स्कॉटन कैंसर। और उसके बारे में पहली बात इसने किया, जो प्रीकेवल पॉट थे जो डॉक्टर थे उन्होंने बता दिया कि ये जो हो रहा है, ये जो कैंसर है वो कैंसर उनके व्यवसाय वजह से है। और उसने एक कानून किया कि ऐसे बच्चे को ये साफ करने के लिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि उनको कैंसर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है ना जी मैम। हाँ मैंने बहुत कोशिश की, सब हो गया, सब हो गया, सब ठीक है, कैसे अगर आपके पास तो बहुत बैठ कर ये सुनिए कैंसर का भी लेक्चर है आपको जानना है। ओके तो अभी हम जान लेंगे कि कैंसर चीज क्या है। कैंसर चीज ऐसी है कि कैंसर सिर्फ बाहर से नहीं आता, वह अंदर ही है, शरीर में ही है। तो इस शरीर में कैंसर कैसे होता है, तो क्या आपने शरीर में उसको कोशिका बोलते हैं कि बहुत सारे पेशी रहते हैं और ये जो पेशी है उनका काम है कि आज काम करना और कई काम खत्म होने के बाद में मर जाना और दूसरी पेशी आती है, उसे और पेशियां बनती है। ये ऐसी पेशी बनते वक्त यदि उसमें कुछ बिगाड़ हो गया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे टाइपिस्ट है, वो टाइपिस्ट दिन में 8 घंटा काम करेगा, टाइपिंग करते रहेगा, तो उसमें ऐसे हो सकते हैं कि उसके कोई मिस्टेक हो गए, एक आध मिस्टेक हो सकते हैं। लेकिन यदि उसने 80 घंटा किया तो क्या होगा, ज्यादा मिस्टेक। वैसे होते हैं कि आदमी की उम्र ज्यादा बढ़ गई, 80 हो गई तो मिस्टेक ज्यादा, और ये जो मिस्टेक्स है वो दो रास्ते दिखाते हैं। एक तो मिस्टेक में क्या होते हैं कि पेशी में कुछ बदल आते हैं और वो जो बदल हानिकारक होते हैं और उसका प्रादुर्भाव शरीर के ऊपर हो सकता है, तो उसको कैसे मिटा दे, तो शरीर जो बॉडी है वो ही अंदर से सोच लेते हैं कि चलो अभी इसको खत्म करते हैं नहीं तो ये पेशी जो है वो कैंसर बनेगी। तो उसको यदि खत्म किया तो बात कुछ नहीं, कैंसर नहीं होता। इसीलिए आज भी कई लोग हैं कि उनको कैंसर नहीं है, लोगों को लगता है कि ऐसे क्यों कि कैंसर कई लोगों को नहीं होता, कई लोगों को होता है। तो उसमें जो अंदर से जो बदलाव आते हैं उसमें वो चेंज से वो बच पाती है और बचने से उसको मारने की ताकत एक ऐसे जीन में है कि उसमें मारने की ताकत रहती है और वो खत्म करती है।
यदि खत्म नहीं हुए तो दूसरा रास्ता हानिकारक होता है, उसे कैंसर। तो ये कैंसर के अंदर से कैसे होता है ये आप देखिए। कैंसर में दो चीज की कैंसर होती है, एक जो ग्रोथ जो अभी ये जो पेशी है वो पेशी एक के दो हो गए, दो के तीन हो गए, चार हो गए, वो बढ़ जाएगी। ये बढ़ जाने से जो होता है उसको ट्यूमर बोलते हैं या अर्बुद बोलते हैं। तो जो ट्यूमर जो रहता है, हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता, ये मान लो, ये बहुत जानना जरूरी है कि हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता। नहीं तो कहां भी कुछ ऐसे लगे कि ये ट्यूमर है, चलो कैंसर है, और पहले ही हम डरते हैं, डॉक्टर के पास जाकर पहुंचने के पहले ही हम डरते हैं। वो डरने की जरूरत नहीं है, हर ट्यूमर तो कैंसर नहीं होता। तो कैंसर क्या चीज है, उनमें क्या अलग है? तो ये जो एक जगह रहता है उसको बोलते हैं बिनाइन इनोसेंट, और उसको कुछ आपने बॉडी को प्रॉब्लम नहीं करते हैं, खुद वो खाली ऑपरेशन करने से चला जा सकता है। बट उसको भी एक बात समझनी चाहिए कि ऐसे यदि कोई होगा कि जो ट्यूमर है वो कैंसर नहीं है, लेकिन वो अपने भेजे में है, तो वो खतरनाक है, क्योंकि भेजे में अंदर जगह नहीं मिलती है बढ़ने के लिए। और एकदम जो इम्पोर्टेंट जो चीजें है, जो शरीर के भाग है, ब्रेन के जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स है, जैसे हम चल सकते हैं वो सेंटर है, उसके ऊपर वो दबाव ला सकते। इसीलिए वो जो कैंसर है, वो जो कैंसर नहीं है लेकिन कैंसर जैसे ही वो खतरनाक है। अभी ये देखिए, यहाँ जो बताया है वो पूरे नॉर्मल है, उसमें तो कैंसर का कुछ प्रॉब्लम नहीं है शरीर में और नॉर्मल है। अब ये कैंसर कैसे बढ़ते हैं? एक पेशी उसके कैंसर के जैसे हो गई, वो बढ़ने लगी, और अभी तक तो कैंसर नहीं बोला सकते, लेकिन जब भी वो नीचे आ रही है तो उसको कैंसर बोलते हैं। अभी देखिए, ये नॉर्मल है, ये कैंसर है, एक कैंसर की पेशी ऊपर है, ये देखिए, ये कैंसर की पेशी ऊपर है, उसके अभी देखो ये बढ़ने लगी, ये एक दो तीन चार, उसमें इतने बदलाव आ गए और एक कंट्रोल के बाहर हो गए। तो एक कंट्रोल के बाहर जब होती है तभी उसको कैंसर बोलते हैं। और उसका कुछ ऐसे नहीं कि ये बढ़ने से कुछ शरीर के लिए कुछ काम है। अभी एक 5 बरस का बच्चा है, कुछ 6 बरस का हुआ, 7 बरस का, 10 बरस का हुआ, तो हम बोलते हैं अच्छा है, क्योंकि उसकी ग्रोथ हो रही है, वो बढ़ रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, वो कुछ काम कर रहे हैं बॉडी के जो पेशी है, ये पेशी है वो अच्छे है, वो कुछ काम करते हैं, ये काम के लायक नहीं है, लेकिन शरीर में प्रॉब्लम करने वाले लायक इसके लिए। देखिए, जैसे अभी मान लो कि कोई जगह कुछ बाहर के अतिरेकी लोग अंदर घुस गए, तो अतिरिक्त घुस गए तो ऐसे नहीं करेंगे, हम बोलेंगे चलो आ जाओ, आज मेरे नल का पानी अभी आ गया है, पानी पी लो, हम कुछ उनको सहायता तो दे देंगे भी। लेकिन यदि उसने पाइपलाइन भी अलग कर दी, अलग तरह से पाइपलाइन अंडरग्राउंड से कर दी, उसी तरह से कैंसर खुद की जो ब्लड वेसल्स है, खुद की जो नलियां है खून की, वो खुद की बढ़ाते हैं कैंसर। ये खतरनाक चीज है, कैंसर हर चीज में आगे जाने की कोशिश करता है। ये देखो, यहाँ लिखा है, ये जो है ना, ये नदियां है, ये खून के, ये कैंसर ने बनाए खुद के लिए बढ़ने के लिए। और ये जो नदियां है वो शरीर में कहां भी जा सकती है। ये देखिए, अभी जो कैंसर इज पोटेंशियली डेंजरस, क्यों डेंजरस है? क्योंकि कैंसर तो कैंसर क्या है, स्किन का कैंसर है, और वो लीवर में जाके पहुंचा। कैसे पहुंचा? रक्त ब्लड वेसल से जाके किडनी में भी जा सकता है, और ब्रेन में भी, देखो मस्तिष्क में भी, तो वो सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि यहाँ केमोथेरेपी नहीं पहुंचती, और केमोथेरेपी नहीं पहुंचती इसीलिए रेडियोथेरेपी जरूरत है। एक मुझे अभी याद आई कि मेरे सामने वाले हमारे पड़ोसी है, तो उनका एक लड़का था 5 बरस का, उसको ल्यूकेमिया हो गया था, ब्लड में कैंसर,
और उसके गांव वाले ने बोले कि अभी तो ठीक है, तो डॉक्टर बोले कि उसका जो ब्रिटेनिया में चांस रहता है कि वो ब्रेन में जाके कुछ प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, तो आप रेडियोथेरेपी लीजिए। तो वो लोग बोलने लगे रेडियोथेरेपी क्या है, रेडियोथेरेपी मतलब वो सब जो चमड़ी होती है काली हो जाएगी, जल जाएगी, वो जलना है, वो लाइट है, तो बेसिकली वो जो राइट वर्ड है वो भी निकलना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। जो रेडियोथेरेपी का सही कारण क्या है वो नहीं पता था लोगों को, तो उसने नहीं लिया और वो दो तीन महीने के बारे में उसका वो नहीं बच पाया क्योंकि उसने रेडियोथेरेपी नहीं ली। क्योंकि कैंसर की कोई भी दवा, एक तो होती शायद बट कोई भी दवा वो ब्रेन में अंदर नहीं जाता, क्योंकि ब्रेन में अंदर एक दरवाजा रहता है और वहाँ सिक्योरिटी रहता है, वो किसी को अंदर नहीं जाना। लेकिन जिसको अंदर आने की इजाजत नहीं देनी चाहिए वो अंदर आ देता है और वो है अल्कोहल। अल्कोहल को बोलते कि चलो आ जाओ, इसीलिए तो अल्कोहल इस पे, नहीं तो अल्कोहल नहीं जाता था और लोग अल्कोहल से जो कुछ प्रॉब्लम्स है उसमें परेशान नहीं। अभी कैंसर मैंने बता दिया, एज का प्रॉब्लम होता है। ये देखिए ये फेफड़े के बारे में लिखा है रिपोर्ट है, और ये जो मैंने स्लाइड बनाई है वो जो किताब मैंने अपने लाइब्रेरी के लिए रखा है वो किताब में से, तो उसमें क्या बोला है कि उन लोगों ने देखो सिगारेट स्मोकिंग एंड पर अबाउट पर डे, अभी पर डे जो सिगारेट स्मोकिंग की जो पहले बारे में थे 1890 में, देखो 1890 में कितने रहते हैं, दो सिगारेट पीते थे लोग, और उसके बारे में ये वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार दो, ये जो भी वर्ल्ड वार टू गए हैं, ये विश्व के युद्ध में लोगों ने ज्यादा सिगारेट पीना चालू किया और वो मेन जो नर में ज्यादा सिगारेट पी और वो जो नारी थी उन्होंने कम पी, वे भी सोशल कस्टम से होगा, और उसको उसने इस तरह से गए, ये 1980 है, देखो कितने सिगारेट है, और यहाँ ये कंजम्पशन ऑफ टोबैको इन ब्रिटेन 1890 से 1975 तक एक ग्राफ की बताया है। आगे का ग्राफ देखिए, ये ग्राफ में बताया है कि इंक्रीज ऑफ लंग कैंसर, ये फेफड़े के कैंसर का कितने गुना ज्यादा हो रहा है, ये किस वजह से हो गया, यूके में हुआ, यूएसए में हुआ, बिकॉज ये जो सिगारेट है 10 से 20, 20 से 30, 40, 50, एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट, चार पैकेट, पांच पैकेट ऐसे पीने लगे, आपको यूएसए को और यूके के ज्यादा से ज्यादा कैंसर का रिस्क बढ़ गया। और ये अभी ये देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जिससे हम आगे जा सकते हैं, आगे के हम लेक्चर तय कर सकते हैं कि ये जो नर में पुरुषों में कितना है, लंग के जो कैंसर है वो रैंक है उसका, तो सबसे ज्यादा देखी जाती है लंग, और ये जो औरत में या नारी में जो है लंग का कैंसर है वो कहाँ है, 8 नंबर पे। तो ये इससे पता चलता है कि 1 नंबर में तो ये भी 1 नंबर में होना चाहिए, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आप हमारे भारत वर्ष में कि सिगारेट स्मोकिंग इतनी ज्यादा नहीं है, बीड़ी स्मोकिंग नारी इतनी ज्यादा नहीं है, इससे फायदा मिल जाए तो इसके तो ट्रेंड ये बता दिया, तो इससे ये पता चलता है कि जो कैंसर को कंट्रोल हम कर सकते हैं, और क्यों ना ये लंग जो कैंसर है हमारी उम्मीद होनी चाहिए कि ये लंग कैंसर क्या है वो 10 तक आना चाहिए नंबर, और 10 से ही आगे जाना चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए, वो हो सकता है, वह हम कर सकते हैं, कई चीजें मेडिकल में हम बदल कर सकते हैं, कई बदल नहीं कर सकते, बदल करने वाली चीज नहीं है वो, मेरे जो पिताजी है और मेरी जो माँ थी तो उनको मैं बदल नहीं सकता, मेरी अभी उम्र 65 है उसको मैं बदल नहीं सकता, ये जो है मैं भारतवर्ष में रहता हूँ, मेरा जन्म उधर हुआ है तो मैं बदल नहीं सकता, ये नहीं बदल करने वाली चीजें है, और बदल करने वाली चीजें जैसे स्मोकिंग, स्मोकिंग का किया तो कैंसर है उसको हम ओरल कैंसर बोलते हैं, मुंह के कैंसर बोलते हैं, ये मुंह के कैंसर का जो जो आपने प्रति पुरुषक देखा टोटल जो कैंसर है उसे 40%, तो 40% जो मुंह के कैंसर है वो भारत में है, और वही देखा यदि अमेरिका में देखा तो वही जो वहाँ
ज्यादातर तंबाकू का प्रयोग नहीं करते जितने आपने गाँव में करते, तो इसीलिए वो जो प्रतिशत है वो खाली 4%, तो ये अलग है। तो अभी आपने देखा कि लंग कैंसर के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी करने की जरूरत है, क्योंकि हम कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलरली अभी यहाँ देखिए ब्रेस्ट कैंसर और सर्विस कैंसर, मैं सर्विस कैंसर के बारे में भी आता हूँ, कल मैं पढ़ता था सर्विस कैंसर के बारे में। सबसे आज तो पेशेंट लोगों को भी पता होगा कि पैप स्मियर करके एक होता है, पेपेनिकुलर स्मियर, जो पेपेनिकुलर का जो 1875 में उनके जन्म हुआ, 1896 और 75, और उन्होंने बहुत ही परेशान थे, दूसरे डॉक्टर ही की मेडिकल डॉक्टर थे, उसके बाद में उस दिन कुछ उनको वो इजिप्ट के थे और उसको कुछ जॉब नहीं मिलता था, तो उसने क्या हुआ कि कुछ ऐसे वॉर के युद्ध में वो मेडिकल हेल्प करते थे, तो तभी एक अमेरिकन आदमी से उनकी पहचान हुई, बोले कि अमेरिका में आ जाना, वहाँ आपको जॉब मिलेगा। तो अच्छा, तो अमेरिका में हो गए, तो अमेरिका में जाने के बाद में भी उनकी इतने बड़े महान ये कैंसर स्पेशलिस्ट, बट उनकी हालत ऐसी होगी उनको कुछ जॉब देने के लिए कोई अस्पताल हॉस्पिटल तैयार नहीं थे, तो उसने जाकर जो रक्त स्पेस के है वो वहाँ सेल्समैन के जॉब किया और बहुत बरस किया, और उसके बाद में उनका नसीब खुल गया। बट उनको एक विश्वास था, वो उसमें एक लाइन दी है कि उनका अल्लाह भी विश्वास था, वो बोले कि अल्लाह कुछ ना कुछ मेरे लिए कर देगा, मुझे तो काम करना है, और उनका काम हो गया। और वो वहाँ जब भी लाइब्रेरी में थे तभी उसने पैप स्मियर किया, वो स्लाइड भी है, लेकिन अभी वक्त है इसलिए मैं अभी उनका दिमाग को बाहर आपको बताता हूँ, नहीं तो मुझे नहीं तो मेरे से भूल भी हो सकते हैं इसीलिए। तो अभी ये दिन का ही आपको पता चला कि पहले के लिए महान कैंसर तज्ञ थे और उन्होंने समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम किया, वो पैप स्मियर। जो पैप स्मियर जैसे क्या चीज है, तो मैं सोचता था अभी मैं टैक्सी से आ रहा था तो भी सोच रहा था कि पैप स्मियर के बारे में मैं मेरे लेक्चर में कैसे अच्छी तरह से बता दूं कि लोगों को समझ में आ जाए। तो मैंने सोचा कि एक मैं बता सकता हूँ कि मान लीजिए कि आपने ये म्यूजिकल स्कूल के बाहर यदि कुछ दंगे फसाद हो गए और कुछ डाकू आ गए और डाकू बोले कि चलो अभी क्या करते हैं कि पुलिस के बैंड की आवाज तो आ गई है, हमने सुनी है, तो अभी भाग लो, तो भाग लो। लेकिन उन लोगों ने क्या किया था कि दूसरे को सूरी से कुछ घाव किए थे और सूरी के घाव करने के बाद भी खून आ गया, तो कपड़े पे खून था, तो बोले कि पहचान लेंगे कि कपड़े पे खून है, तो शर्ट पे खून दिखाते हैं, पुलिस पकड़ेगी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, वो जो शर्ट था वो फेंक दिया रास्ते पे और भाग गए। अभी क्या है, यदि वो शर्ट पुलिस को मिला तो पुलिस को पता चलता है कि शर्ट यहाँ है, जूते यहाँ है, पेन यहाँ है, यहाँ पे भी खून है, ऐसे करके उनको एक दफे पता चल गया तो वो जो डाकू है उसको पकड़ लेता है। वैसे ही तरह से वो पेपेनिकुलर ने क्या किया, पेपेनिकुलर ने वो पैप स्मियर करके जो योनि से जो लिक्विड वो द्राव बाहर आता है वही द्राव से उन्होंने स्लाइड पे लेके वो माइक्रोस्कोप में देखा, तो उसे लगा अरे ये तो कैंसर की पहले कुछ निशानी है और आगे ये, तो उसने बोला अच्छा तो ये तो निशानी यदि आती है तो कैंसर से बचा सकते। आज हमारे देश में 1,00,000 लोगों को, भारतीय नारी को कैंसर सर्वाइकल कैंसर होता है और उसमें से 50,000 नारी मर जाती है। क्यों मरते हैं, क्योंकि उन्होंने पैप स्मियर के केस किए। तो करीबन 40 उम्र से यदि हर बरस में करते रहे तो उसमें कोई नॉन इन्वेसिव है, उसमें कोई घाव नहीं है, कुछ ऑपरेशन नहीं है, कुछ सर्जरी नहीं है, ये यदि करते तो पता चलेगा। और इसे पहले उसको जो पता चला कि जो गर्भाशय है वो गर्भाशय के जो है वो उसका जो जो उसको थैली बोलते हैं गांव में, तो उसमें कोई कैंसर हो तो पता चलता है। लेकिन पेपेनिकुलर ने बहुत कष्ट किए और 30-40-50 बरस के बाद में
उसके खोज में आ गए कि सर्वाइकल कैंसर हो, यानी गर्भ का जो मुख है, वो मुख के यहाँ का जो कैंसर हो, तो वो भी पता चलता है। और इसीलिए ये एक महत्वपूर्ण चीज है, और हम या दुनिया कभी पेपेनी फिलो को नहीं भूल सकती, क्योंकि उसने लाखों करोड़ों नारियों का जान, नारियों की जान उसने बचाई। तो पेपेनी फिलो ने एक बहुत अच्छा और बड़ा काम किया है। अभी ये भी चीज है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जो अभी मैं टाटा हॉस्पिटल में मैं डॉक्टरेट करता था, तभी मैं लाइब्रेरी में करके जाता था, लाइब्रेरी में पढ़ता था। तो लाइब्रेरी में मुझे एक अच्छा एक ये पिक्चर मिला, तो उसकी मैंने जेरॉक्स की, और उसके जेरॉक्स करके मैंने आर्टिस्ट को बोले कि ये मेरे लिए आप बना। ये आपको, इससे आपको समझ आ जाएगी कि कैंसर कैसे बढ़ता है और क्यों बढ़ता है। वैसे हमें लगता है कि देखो मेरे तो एक पड़ोसी थे, उनको तो कुछ नहीं था, ये दो तीन महीने में उनको तो कैंसर का प्रॉब्लम हो गया, और डॉक्टर बोले अभी तो कुछ नहीं किया पाता, और एक बरस में वो तो सुना तो वो मत। ये ऐसे क्यों होता है इतने जल्दी? तो एक बरस में ये कैंसर क्या करते हैं? तो कैंसर एक बरस में फिक्स नहीं करता। कैंसर शुरू हुआ स्टार्ट होता है वो उसको करीब 8 बरस, कम से कम 8 बरस, नहीं तो 15 बरस। वो कैसे है तो हम देखते हैं, यहाँ खाली एक पेशी है, तो उसे एक पेशी से तो ऐसे कोई माइक्रोस्कोप नहीं है, ऐसे कोई चीज नहीं है, टेस्टिंग की स्क्रीनिंग की सुविधा नहीं हो सकती कि जहाँ हम बता देंगे ये एक कैंसर की सेल आ गई है और फेफड़े में चलो, और एक कैंसर को सेल को खत्म करना भी एकदम इजी है, वो कर देते, वो नहीं होता। तो उससे क्या होता है कि उसको डबलिंग होते हैं। डबलिंग मतलब क्या कि एक से दो, दो से चार। इसे एक में एक छोटी सी कहानी आपको बता रहा हूँ। एक राजा को एक उसके द्वार पे कोई आया, तो कौन आए गए उन्होंने कोई कुछ मांगने के लिए आ गए, बोले क्या चाहिए? बोले कि मेरी एक शर्त है कि एक शतरंज का जो बोर्ड रहता है उसमें एक इसमें एक गेहूं का दाना रखो, दूसरे में दो रखो, चाहिए। बोले अरे इतना तो क्या चीज है, अभी दे दो उसको, इसके लिए राजा की क्या जरूरत है, मेरा वक्त क्यों खराब किया? वो करने लगे और वो तो उनके सर्वेंट आ गए, उसने पूछा कि सर ये राजा महाराजे जरा एक मुझे बता दे ये कैसे बिकल। वो कर नहीं पाते क्योंकि यदि आपने वो जाके घर में यदि ये करे और आप लिखे तो आपके घर में जितना कुछ गेहूं के गेहूं होगा वो पूरा गेहूं तो क्या आपने महाराष्ट्र में ही आप भारत का गेहूं भी कम हो जाएगा, इतने वो लगेंगे। क्योंकि एक में एक उसमें कितने रहते हैं, 64 रहते हैं बॉक्स, तो उसमें एक दो चार आठ 16 और ये वैसे बढ़ती रहेगी, उसी का तरह कैंसर बढ़ेगा। तो कैसे कैंसर बढ़ गया अभी देखो, ये जो उसको डबलिंग बोलते हैं, वहां तो कितनी डबलिंग होनी है 64, यहाँ कितनी डबलिंग हुई 30 हुई। ये 30 डबलिंग में क्या हुआ, कैंसर यहाँ से यहाँ तक आ गया और उसका वजन कितना था, 1 ग्राम। खाली 1 ग्राम का कैंसर तो कोई डॉक्टर पहचान करना दो तीन डॉक्टर को मुश्किल। तो लेकिन मान लीजिए कि कोई टेस्ट से वो स्क्रीनिंग में पकड़ गया कि पता चला कि इनको लंग का कैंसर है, किस टेस्ट से कर, तो ये जो टेस्ट है उसमें कितने सेल्स आ गए, 10:9, मतलब सिंपल है, एक को एक के बाद मैंने 0, 9 बार 0 लिखे, तो कितना हो गया नंबर, नंबर तो बहुत बड़ा है लेकिन कैंसर को इतना छोटा, ये छोटा लगता है 30 में। उसके आगे में देखिए, आगे जस्ट एक करीबन 3 डबलिंग हो गई और उसमें हो गया उसका वजन 10 ग्राम। तो यहाँ से यहाँ तक आते वक्त अभी मुझे ये बताना जरूरी है कि हर कैंसर का जो डबलिंग होती है, डबल होता है, उसका वक्त जो है वो अलग है। अभी ये फेफड़े के कैंसर में वो वक्त है 160 डेज। अभी 160 डेज से यहाँ तक आने के लिए इतना कितने बरस गए हो देखो, तो ऑलमोस्ट एक दस बरस तो आराम से गए, 10 बरस से भी ज्यादा गए यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए खाली 1 बरस। इसीलिए हमें लगता है कि 1 बरस में तो इतना बदल हो गया, और इससे आगे आते वक्त 6 डबलिंग में वो हो गया 1 किलो।
यानी एक के ऊपर 12 जीरो देना, और वो सबसे खतरनाक, इतना यदि बढ़ गया तो जो कैंसर का मरीज है वो बच नहीं। तो अब ये पता चला कि कैंसर कैसे बढ़ता है, कैसे टाइम लगता है। अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो जो इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। जब मेटास्टेसिस यानी कैंसर जो है एक जगह नहीं दूसरी जगह, मान लो कि वही एग्जांपल लेते हैं, कोई डाकू है भारत के एक स्टेट में आ गए, तो वो क्या करेंगे, उनके थोड़े दूसरे लोगों को बोलेंगे चलो आप दूसरे स्टेट में जाए, और ऐसे सब स्टेट में जाने के बाद में भारत की हालत खराब हो जाए। सिमिलरली आपने शरीर के अंदर यदि कैंसर कैंसर कहा है, सपोज कैंसर आपकी जान बोलते हैं कि कैंसर स्तन में कैंसर, उसका कैंसर का कई दिन के बाद में हो जाएगा, वो फेफड़े में जाए, फेफड़े में जाएगा वो तो लीवर में जाए, यकृत में जाए। तो ये जो कैंसर डूबता है सब शरीर पूरी बॉडी में उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। मेटा मींस फिलोसॉफिकल टर्म है, मेटा मींस आफ्टर। तो ये एस्टेब्लिश होने के बाद में एक प्रोसेस है, एक कैंसर पहले एस्टेब्लिश होता है और बाद में पूरे बॉडी में। तो इसमें दिया है एक कंप्लीट डायग्नोसिस। सपोज एक ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक हमने स्क्रीनिंग कर दिया और ब्रेस्ट कैंसर है ये जांच किया, तो वो ब्रेस्ट कैंसर वो नारी में 8 बरस शुरू से आ गए, वो 8 बरस में कितना वक्त हो गया, 70,128 इतने घंटे वो कैंसर को मिले कि जहां भी जाओ शरीर में जाके कहां। इसीलिए कैंसर में खाली ऑपरेशन करने से मतलब नहीं, क्योंकि ऑपरेशन करने से शरीर में जो छोटी ऐसी कोई नहीं है चीज नहीं है जो फोर्सेप नहीं है जो वो पकड़ ले उसको, क्योंकि वो खाली 1 ग्राम होगा और वो लंग में है तो कैसे पकड़े, स्क्रीन कैसे करे, वो नहीं हो सकता। तो उसको बोलते हैं जिस दिन जो मेटास्टेसिस है वो जो सीडलिंग्स भेज रहा है सब पूरी बॉडी में उसको रोक दिया जाएगा, तभी कैंसर का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम पूरे खत्म हो जाए। उस दिन की हम याद कर रहे हैं कि जो भी कैंसर का टोटल, तो ये जो है तो इसके ऊपर है कैंसर स्प्रेड के ऊपर। अभी ये पहली ऐसी है कि जो मैं स्लाइड हिंदी में मिल गई मुझे इंटरनेट पे, ये राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्था है परेल में है, उसने लिखा है वो इंफॉर्मेशन दी है गर्भाशय मुख का कर्क रोग यह भारतीय महिलाओं में सबसे आम कर्क रोग है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें गर्भाशय मुख की पेशियां कर्क रोग से प्रभावित होती है। गर्भाशय मुख यानी गर्भाशय का द्वार जो कि गर्भाशय का शुरुआत अंग को हर साल 125,000 महिला के गर्भाशय मुख के कर्क रोग से पीड़ित होती है, अपने यहाँ और लगभग 50,000 महिला इस बीमारी से मृत्यु होती है। इसलिए बीमारी का जल्द से जल्द निदान करना तथा प्रतिबंध करना जरूरी है। इस पत्र का उद्देश्य गर्भाशय के कर्क रोग के बारे में समाज में जागरूकता है। अभी ये भी कैसे हो सकती है, पैप स्मियर से, ये देखिए नियमित पैप स्मियर परीक्षण से क्या कर सकते हैं। अभी ये तो मैंने आपको बता दिया था ये एपेंडिकुलर कुछ, अभी ये इम्पोर्टेंट चीज है आप तो ये देखिए, ये गर्भाशय है और जो गर्भाशय का मुख जो बोल रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो गर्भाशय मुख है। अभी इसमें यदि मैंने जहाँ पॉइंटर दिखा दिया वहाँ यदि कैंसर की कोई पेशी जितनी मैंने छोटा पॉइंट थे उतनी कैंसर की पेशी यदि कुछ बढ़ रही हो तो पैप स्मियर लेने के बाद में वो क्या होता है कि उसमें से एक आधी सेल पेशियां ज्यादा हो 10,000 लाखों में पेशियां है वहाँ, लेकिन उसमें से यदि खाली 5 पेशियां यदि वो स्लाइड में आ गई और डॉक्टर ने देख लिया तो डॉक्टर कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ तो कैंसर है और उसकी शुरुआत कर सकते हैं और वो अर्ली ट्रीटमेंट है, जल्दी ट्रीटमेंट कर दीजिए तो ये सर्वाइकल कैंसर से बचने बच सकती है पेशेंट। अभी एक चीज
अभी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि इसमें यहाँ भी एक स्टोरी है और सही स्टोरी है कि एशियन महिला में वो क्या करते हैं कि पहले वो जो उनके हस्बैंड होगा, पति होंगे और दूसरे कोई बच्चे होंगे, उनको जो मेल मेंबर्स है सब उनको पहले खाना देते और उसके बाद में वो खाना करते। तो वैसे ही चीन में पाया गया, चीन में औरत को जो ये फूड पाइप को क्या बोलेंगे, खुराक की नाली, तो जो खुराक की नाली है तो खुराक की नाली का कैंसर वो ज्यादा से ज्यादा मत में मिला मिल गया और नारी को कुछ नहीं। चाइना में ऐसे देखा तो बोले क्यों, तो वो बड़ी प्यार से जितना गर्म खाना होता था वो उनको खिलाती थी और खुद को वो कहती थी क्या परेशान होती थी इतना काम करने के बाद, बोले कि अभी तो नहीं है, अभी मैं वैसे ही खा दू। तो वो डॉक्टर ने, शास्त्र ने, लोगों ने, साइंटिस्ट ने देख लिया कि इसमें तो क्यों नहीं है, इसमें खुराक की नली में कुछ नहीं है प्रॉब्लम, कैंसर नहीं है, और यहाँ क्यों है, तो वो पता चला। तो वही मैंने आर्टिकल देखा और उसमें ये देखो ये लिखा है कि कॉफी है, चाय है, हम बोलते क्या ठंडा होगी फिर वापस गर्म करूँ क्या आपके लिए, ऐसे घर में पूछते, लेकिन ये अच्छा नहीं। क्योंकि एक बात समझने की कोशिश हम सब करेंगे कि यदि वो जो कॉफी है वो कॉफी आप बोलेंगे गर्म है तो इतना क्या गर्म नहीं है, हम तो अच्छी तरह से पी सकते हैं, आप क्या बोल रहे हैं। तो यदि आपने अपने हाथ के ऊपर वही गर्म कॉफी डाली तो क्या होगा, तो वहां तो सब चमड़ी जल जाएगी। वैसे ही यहाँ जलती है लेकिन यहाँ का सेंसेशन नहीं आता, यहाँ हमें नहीं लगता कि कुछ जल रहा है। और बार बार कुछ भी एक चीज ध्यान में रखिए, कैंसर जो है वो बार बार पेशी को यदि बार बार उनको तकलीफ दी तो कैंसर होता है। क्यों, जो तकलीफ देने के बाद में पेशी बोलती है, पेशी अंदर से आवाज आती है कि चलो ये तो अभी हम तोड़ने वाली चीज कर दिए, उन्होंने गर्म चाय पी, गर्म कॉफी पी, अभी हमें तो सुधारना है। अभी यदि कोई दीवार है, कोई दीवार में हाथ दे जब तोड़ने लगा तो क्या होगा, ठीक है दूसरे को मरम्मत करते रहेंगे करेंगे, पर एक बात तो एक दिन ऐसे आ जाएगा कि मरम्मत कर नहीं पाएगा। और ये तो दीवार की अलग बात है, कैंसर की अलग बात है, दीवार को ना कुछ समझता कैंसर समझ रहा है कि इसको मुझे यदि तोड़ते हैं तो बॉडी अंदर से बोलते है चलो अभी जितना चाहिए उससे ज्यादा हम देते हैं और उसमें कुछ डिफेक्ट आता है और उसे कैंसर की चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। तो कहीं भी यहाँ भी एक दांत है टूट गया तो उसको टूट गया तो डेंटिस्ट के पास जरूर जाना, नहीं तो क्या होगा, यहाँ से अंदर से वो जो पेशियां है वो मर जाएगी, नए आ जाएंगे और नए आते वक्त वो बहुत ज्यादा नंबर आएगी और उसमें कैंसर की चांसेस ज्यादा होगी। तो अभी एक दो तीन स्लाइड्स है तो एक ये सबसे अच्छी चीज ये जो स्लाइड है इसमें जो केमोथेरेपी चीज है, अभी देखिए कि कई सारे कैंसर के पेशेंट वो सोचते होते कि केमोथेरेपी बार बार क्यों लेते हैं, ये डॉक्टर को पैसे मिलाने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए इसीलिए वो बोल रहा है कि बार बार आओ एडमिट करो, ये क्या चीज है, ये मन में सवाल आता है लेकिन वो डॉक्टर को कैसे पूछे। तो इसका जवाब है कि डॉक्टर को पैसे नहीं चाहिए, कैंसर जो चीज है वो एक दफे खत्म नहीं होती। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी घर में है, घर में आपने देखा होगा कि मुझे पहले भूल गया वर्ड, कॉटन को क्या बोलते हैं, झिंगर। तो यदि देखो झिंगर को मारना है तो क्या कर लेंगे, झाड़ू ले लेंगे, ये किसी पार्टी का नहीं हो, झाड़ू ले लेंगे और झाड़ू मारेंगे और वो एक बात तो नहीं होता, जनरली औरत तो नहीं करते, मर्द को करना पड़ता है। मैंने अनेक बार किया है लेकिन एक घाव में नहीं पड़ता, उसको दो चार दिन में। वैसे इसी तरह
कैंसर जो है वो एक घाव में नहीं होता, इसीलिए साइकिल लेनी पड़ती है और चार साइकिल, पांच साइकिल, छह साइकिल ऐसे लेने पड़ते हैं। अब क्यों लेने पड़ते हैं उसके लिए एक बात है, वो इसके लास्ट लाइन है, वो मैं आपको बता दूं। ये मेरी लास्ट साइड है, ये साइड समझते हैं कि कोशिश करिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इतने जितना जो मैथमेटिक्स है वो मैंने कम कर दिया है क्योंकि आप सब समझ लेंगे। इसीलिए अभी देखिए कि 10 ग्राम से कम तो कैंसर आने वाला नहीं है। कैंसर जो है जब भी डिटेक्ट होता है, मुझे से पहचान होती है डॉक्टर को, तो 10 ग्राम से तो कम नहीं आती। कभी कभी यदि स्क्रीनिंग किया तो मैं मान लेता हूँ 1 ग्राम को भी पता चल सकता, बट ऑन एन एवरेज ये 10 ग्राम का कैंसर है। ये 10 ग्राम का कैंसर में कैंसर की पेशियां होती है, देखिए अरबों में होती, इतना ज्यादा नंबर है। अभी उसको केमो तो जरूरी है, अभी केमो दे दिया, ये केमोथेरेपी दी है, वो पहली केमोथेरेपी दी। तो केमोथेरेपी की जो ताकत है वो ताकत इतनी है कि इसे खाली ये दो को हटा दो, अभी कितना है, एक ये 10 है, 3, 6, 10, 10 से दो हटा 8 हो, 8 बच के, तो ये एक के ऊपर 8 कितने केमोथेरेपी से फायदा हो गया। इसीलिए दूसरी केमोथेरेपी, दूसरी केमोथेरेपी दे दी, इसमें कितने आ गए, 3, 3, 6 आ गए। उसके आगे कैसे लेना और दो कम करो, 6 से दो कम तो हुआ 4, तो 4 बच गए। ये केमोथेरेपी तीसरी और केमोथेरेपी चौथी 100, ये कितने हुए 100 तक पेशी आ गए, बहुत कम होती। और पांचवी केमोथेरेपी दिया और एक आ, आप पूछेंगे तो क्या है, 6 और एक केमोथेरेपी दे दो कैंसर को खत्म करो, ऐसी बात नहीं। ये इतनी सेल कम होती है ये बराबर है, लेकिन हमने हिसाब नहीं रखा कि कितने कैंसर के जो बचती है वो फिर मल्टीप्लाई हो सकती है, वो हमने नहीं सोचा, वो भी होते, तो इसीलिए ये लेना पड़ता। अभी एक बात ऐसी आ गई, ठीक है अब मान लिया अपना हम गांव से आते हैं और कैंसर का जो ट्रीटमेंट लेते हैं उनके केमोथेरेपी साइकिल, एक साइकिल ले लिया, वो लोग बोलते हैं कि 3 हफ्ते तक आप दूसरे साइकिल नहीं ले पाते, ये क्या चक्कर है, इतने दिन हम यहाँ गरीब लोग कैसे रह गए। तो इसका क्या कुछ आंसर है क्या, इसका कुछ आप वो बता सकेंगे क्या, ये 3 हफ्ते तो रहना पड़ता है, 3 हफ्ते के बाद में ऐसे क्यों। तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है, देखो कैंसर बोलो तो कैंसर की एक फौज है और हमारे शरीर में जो सफेद पेशी रहती है वो एक फौज हमारी भी रहती है और हम उसके ऊपर हम कैंसर के ऊपर घाव करके कैंसर को खत्म करते हैं। इसीलिए हमें सहायता हमने ली किसके, केमोथेरेपी सहायता ली, तो केमोथेरेपी हमारे मदद को आ रही है। पर केमोथेरेपी क्या करती है, जो पेशियां बढ़ रही है उसको मारती है, हमारी जो मिलिट्री है वो भी बढ़ती है। आज जो हमारे शरीर में मेरे खून में जो 7,000 से 10,000 तक जो सफेद पेशी रहेगी एक छोटी सी मात्रा में 1 cc, तो वो भी कल तक बॉडी खत्म होगी, इसीलिए बॉडी क्या करेगी, नया बनाएगी। इसीलिए मेरी जो 7,000 से 10,000 तक जो पेशी है वो केमोथेरेपी से कम होती है, वो 7 से 5 आती है, 4 आती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 6 दिन में ये केमोथेरेपी एक आज ले लिया कल भी ले लिया और 6 दिन में और 7वें दिन में 8वें दिन में जाओ मुल्क में जाओ आराम करो, ये नहीं हो सकता। इसलिए उसमें अंतर रखना पड़ता है। अरे मान लीजिए जब भी सफेद पेशी, वो जो मैं बाद में जो लेक्चर दे दूंगा तो मैं उसके बारे में बता दूंगा, ये जो कम होती है वो इतनी कम हो सकती है कि 400 तक भी आ सकती है, इतनी डेंजरस होती है और उम्मीद रहने की उम्मीद नहीं हो गई ना करता। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए ये कर सकते हैं कि जब भी केमोथेरेपी हो गई आप ऐसे मत सोचिए कि डॉक्टर ने बोला आप 3 हफ्ते के बाद आ जाना, आपको 8 दिन के बाद भी यदि बुखार आ गया, कुछ इन्फेक्शन आ गया, मतलब क्या, क्यों बुखार क्यों आया, मतलब आपके जो फौजी है वो कम पड़ी है, उनकी ताकत कम है, उनकी ताकत कम है तो डॉक्टर के पास जाओ पहले बता दो, तो डॉक्टर कुछ जो करना है कुछ लगाना है लगा सकते और वो कंट्रोल कर सकते।
तो अभी आपको समझ में आ गया कि केमोथेरेपी इतने बार क्यों देनी पड़ी। अभी तक जो साइंटिस्ट है वो जो कैंसर के तज्ञ लोग हैं, कैंसर के एक्सपर्ट्स हैं, उनको ये समझ में नहीं आया कि एक केमोथेरेपी पूरी कैंसर को क्यों खत्म करे। लेकिन मेरे दिमाग में तो ऐसे आ गया कि चलो कि ये जो अभी फाइटिंग तो चालू है कैंसर के पहुंचे यहाँ पहुंचे, तो कैंसर की जो पहले जो पहुंच रहे हैं पहले रैंक ये इसमें रो में उसको खत्म किया जाता, उसके पीछे के वहां तक तो आपकी कैंसर की दवा नहीं चलती। शायद ये मुझे पता नहीं है, अभी किसी को भी पता नहीं है कि इतना कम क्यों है। यदि यदि इसमें से अभी मान लो कि 10 है तो उसमें केमोथेरेपी एक से काम चलता था, केमोथेरेपी 3 तक अच्छा होता था, केमोथेरेपी भी बचती थी, बट इसका अभी लोगों को पता नहीं है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि जहां उनका वो पेशेंट का अंत्यविधि करते थे
तो अंतर्विधि करने वाला क्लार्क पूछता था कि अरे क्या क्या आप वही डॉक्टर के पास से आए, तो आपको कैसे पता? अरे वही तो वही है, वो तो कैंसर के पेशेंट को मारता है, वो तो मरते हैं। उसको ये पता नहीं था, उसके हाथ में कुछ नहीं था उस जमाने में। और आज क्या चीज है, आज हम टाटा में देखेंगे तो 5 बरस मैंने एक लड़की को मिला, मैं वो 7 बरस की थी तभी उसको कैंसर हो गया। अभी वो कैंसर एड जैसी वहाँ की एक संस्था जो है टाटा के, इसमें वहाँ वो सोशल वर्क कर रही है और वो 22 बरस की है और उसने ग्रेजुएशन भी कम्प्लीट किया। अभी इसे क्या बोलेंगे, एक जमाना था वो, अभी बात नहीं है। और एक कॉन्फ्रेंस में वो चीजें मैंने बता दी। दूसरी चीज ऐसी, एक कॉन्फ्रेंस थी वहाँ मेरी टाटा में अटेंड की, 1990 में मैंने अटेंड, तभी कैंसर के कॉन्फ्रेंस में उन लोग बोले कि अभी ये बात अभी छोड़ दो, अभी कैंसर के लिए अच्छे इलाज आगे रहे हैं। जब भी कैंसर के जो मरीज है तो 5 बरस की जिंदगी आराम से गुजरता है, तो वो अभी अच्छा हुआ इसे बोलना ये गलत है, क्योंकि यदि वो 40 बरस का हो तो उसको रिटायरमेंट तक एज तक या उसका जो अपना इंडियन जो एवरेज है 65 ईयर, तो 65 तक उसको यदि मिले कि पूरा लाइफ मिला तभी बोलो कि कैंसर में आपने क्योर किया नहीं बोल। लेकिन पहले आप 1990 के पहले आपको कुछ भी बुक पढ़े तो उसमें दे जाता था 5 बरस है ना, ठीक है हम खुशी है कैंसर के मरीज 5 बरस। अभी वो नहीं है, अभी वो सोच रहे हैं पूरी जिंदगी कैंसर के पेशेंट, और हो सकता है कि पूरी जिंदगी मिल सकती है। थैंक यू।